शिनचैन की ये हॉरर मूवी जो 1.5 घंटे की मैंने सिर्फ इसको 5 मिनट में एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना तभी मूवी समझ में आएगी। और हाँ गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, मुझे बहुत जरूरत है। इस मूवी के स्टार्टिंग में तीनों मैम डिसाइड कर रही होती है कि हमें काजू काफी के कार्निवल में कौन सा डांस करना चाहिए। तभी मात्सुजाका मैम कहती है कि हमें सांबा डांस करना चाहिए। तभी एजियो मैम और योशिनाका मैम कहती है कि बहुत ज्यादा अजीब है और ये दोनों इसके साथ खिलाफ होते हैं। अगले सीन में योशिनाका मैम जब अपने घर जा रही होती है तभी उन्हें लगता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। और जैसे योशिनाका मैम भागते भागते रेलवे पटरी क्रॉस कर लेती है तो पीछे का सीन बहुत क्रीपी हो जाता है और योशिनाका मैम जिसे सामने दिखती है तो उन्हें उनका ही क्लोन दिखाई देता है जो उन्हें पूरी तरह से घेर लेता है। अगले दिन बोचेन एक कहानी सुनाता है कि मैंने कासू कापी में रोमर देखे यानी क्लोन्स देखे। अगले सीन में योशिनाका मैम प्रिंसिपल सर से कहती है कि हमें कार्निवल में सांबा डांस करना चाहिए और वो खिड़की बंद कर लेती है और वहाँ का सीन बहुत ज्यादा क्रीपी हो जाता है और वो प्रिंसिपल सर को भी अपने जैसा बना देती है। अब अगले सीन में हम लोगों को कजामा की मम्मी दिखाई जाती है जो कि भाई मटन काट रही होती है और काटते काटते भाई वो इतना खतरनाक क्रीपी मुंह बना लेती है जो कि भाई कजामा पीछे से देख लेता है और वो घबरा जाता है। अब अगले सीन में शिनचैन और हैरी जो है सांबा डांस जो है न्यूज पर देख रहे होते हैं। तभी मित्सी कहते कि मुझे भी सांबा डांस करना है और तभी हैरी और शिनचैन को ये बात बहुत अजीब लग जाती है। अब अगले दिन जो है योशिनाका मैम पोस्टर लगा रहे होती है तभी पोस्टर लगाते लगाते पिन जो है उनके जूते में गिर जाती है जिसके बाद में कजामा वो सब देख रहा होता है। योशिनाका मैम वो जूता पहन लेती है लेकिन भाई उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन ही नहीं आता और कजामा डर जाता है। जिसके बाद योशिनाका मैम और प्रिंसिपल सर जो है क्लासरूम में आती है और कजामा को पकड़ लेते हैं। वो तो कजामा बच जाता है क्योंकि वहां पर शिनचैन आ जाते हैं और शिनचैन कहता है कि आप अकेले अकेले खेल रहे हो। अब रात को जो है कजामा अपनी मम्मी के रूम में चले जाता है जहाँ पर उसकी मम्मी जो है डांस कर रही होती है और जैसे ही कजामा उसकी मम्मी के पास चले जाता है तभी उसकी मम्मी कजामा को भी उनकी जैसा बना देती है। अब अगले दिन जो है शिनचैन अपनी फैमिली के साथ मॉल में आया हुआ होता है और तभी वो एक्शन कमिंग मांगने की जीत करता है तो उसकी मम्मी उसे खींच कर वहां से ले जाती है। लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है और उस लड़की को शक होता है कि ये क्लोन है। तभी वो जो लड़की है उसे धक्का दे देती है और शिनचैन को बचा लेती है और उस लड़की का नाम जैकी होता है और जैकी का शक सही निकलता है, वो मित्सी का एक क्लोन होता है। जिसके बाद में हम लोगों को विलन का फेस दिखाया जाता है जो कि ये ऑर्डर देती है कि जो क्लोन है उसको हवा में फोड़ दो यानी कि भाई फेंक दो। अब जब अगले दिन शिनचैन स्कूल में जाते हैं तो वहां पर सभी लोग जो है सांबा डांस करने लगते हैं और कुछ लोग नहीं होते जैसे मात्सुजाका मैम, एजियो मैम, मसाओ, नैनी, शिनचैन, ये सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। तभी आईचैन का बॉडीगार्ड जो है एजियो मैम को आवाज देता है और एजियो मैम भी के जैसी बन गई होती है। मात्सुजाका मैम बच्चों को बचाने के चक्कर में वो भी उनकी जैसी बन गई होती है। अब अगले सीन में जो ये सारे के सारे बच्चे जो है पार्क के एक गोले के नीचे बैठे हुए होते हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हैरी अपने ऑफिस से वापस आ रहा होता है तभी उसे रस्ते में कावाकुची मिलता है जो बहुत सारे आदमी के साथ में आ जाते हैं और हैरी कैसे तो भी करके वहां से भाग जाता है। अगले सीन में जो है हैरी शिनचैन को नहला रहा होता है और तभी वहां पे दूसरा हैरी दौड़ते दौड़ते आता है और कहता है कि शिनचैन का है। तभी मित्सी कहती है वो तो आपके साथ नहा रहा है और जैसे ही हैरी अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि ये तो मेरा क्लोन है और इन दोनों के बीच में बहुत फाइट होती है जिसके बाद में ये क्लोन जो है वो कार उसके घर में घुसा देता है और तभी वहां पर एंट्री होती है जैकी की, एक बस लेके आती है जिसके बाद में ये बहुत तेजी से वहां से भाग निकलते हैं। अब कजामा जो है अपने आदमी लेकर उस गोले के पास में आ जाता है तभी उन्हें बचाने के लिए वो बस आ जाती है यानी जेकी की बस आ जाती है और इनको बचा लेती है। अब जहाँ से जाने का रास्ता होता है वहां पर ये सारे के सारे लोग खड़े होते हैं यानी कोई जा ही नहीं सकता। अब ये जब जंगल की तरफ से जा रहे होते हैं तभी मिची और योशिरिन रोक लेते हैं और वो कैसे तो भी करके बच जाते हैं जिसके बाद में जेकी अपने लैपटॉप से SRI को इन्फॉर्म कर लेती है क्योंकि वो एक SRI की मेंबर होती है और तभी वहां पर सांबा डांस ग्रुप के मेंबर आ जाते हैं और कैसे तो भी जेकी वहां से बच निकलती है और बाकी लोगों को ये पकड़ लेते हैं। तो अगले सीन में जैसे ये अंदर जाते हैं तो इन्हें दिखता है कि क्लोन आखिर बन कैसे रहे हैं। तभी वहां पर जो है मसाओ का क्लोन एक बन जाता है और इन लोगों को एक ऐसे रूम में फेंक दिया जाता है जहां पर जो सारे के सारे लोग जो डांस कर रहे होते हैं और तभी वहां पर हमें मिलन को दिखाया जाता है। तभी वहां पर जो है जैकी SRI लेकर आ जाती है जो कि उसकी मेंबर होती है और तभी वहां पर हमें एक डॉक्टर की झलक दिखाई जाती है। हाँ भाई ये इस मूवी का सबसे मिस्टीरियस पार्ट है क्योंकि अब तक किसी को पता ही नहीं डॉक्टर है कौन। जिसके बाद जैकी सबको एक लिक्विड दे देती है क्लोन्स को मारने के लिए और सभी लोग जो है क्लोन्स को मार रहे होते। अब ये लोग एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर असली लोग जो है डांस कर रहे होते और तभी SRI का एक मेंबर जो है ऊपर गोली चला देता है जिसके बाद में ये सब नॉर्मल हो जाते हैं। अब जैकी जो होती है विलन को एक चैलेंज देती है कि मैं तुम्हें डांस में हरा दूंगी और भाई वैसा होता भी है क्योंकि शिनचैन उसके साथ में होता है और शिनचैन उसकी मदद करता है और उस विलन का मास्क टूट जाता है और हमें उसका फेस देखने के लिए मिल जाता है लेकिन भाई वो लड़का होता है यानी कि भाई वो जैकी के पिताजी होते हैं। और आखिर में शिनचैन एक सीटी बजा देता है और यही पे अपनी मूवी दी एंड हो जाती है।